नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूम डेल, बुद्धिया बगान, आईएसएम कुंदाग, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड। सीसीएल के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग आईआईटीएंस द्वारा, सारा खर्च सीसीएल द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की, सफलता लगभग शत प्रतिशत है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अप्रैल के लिए बढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग, कहा हम जितना जल्दी इस बीमारी से लड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। केंद्र सरकार ने बस और ट्रांसपोर्ट ऑनरों की समस्या का किया समाधान, वैधता समाप्त हुए प्रमाण पत्रों की मियाद 30 जून तक बढ़ाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा तबलीगी जमात के मरकज में 24 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना इफेक्ट, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी सीएम, विधायक और अफसरों की सैलरी में होगी कटौती। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से बसों में बैठाकर अस्पताल पहुंचाए गए जमात के लोग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कांग्रेस द्वारा आज से जमशेदपुर के 10 विभिन्न क्षेत्रों में जन आहार सेवा शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने करधारकों को 31 मई तक किस्त चुकाने की दी मोहलत। BSNL के बाद एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों को दी छूट, वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी हो सकेगी बात। आज समाप्त हो जाएगा झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी का कार्यकाल, कल से प्रभार ग्रहण करेंगे सुखदेव सिंह। DGP MV राव के निर्देश पर राजधानी के हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी हटाए गए। कांग्रेस पार्टी के प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों का 70% भुगतान केंद्र सरकार से करने का किया आग्रह। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने पीएम केयर फंड समेत महाराष्ट्र सरकार, फीडिंग इंडिया और वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स के लिए दिया 80 लाख। सीरिया और बांग्लादेश के शरणार्थी कैंपों की स्थिति कोरोना वायरस से हो सकती है विनाशकारी। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 1400 से अधिक हुई, 41 की हुई मौत। प्रैक्टो कंपनी ने कहा है मुंबई के लोगों के लिए कोरोना के टेस्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जल्द ही इसे पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है जान है तो जहान है। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जनहित में जारी।